अभी मुझे लिफ्ट मिल चुका है, देख सकते हैं कि अभी एग रोल बन रहा है। चने के नाम पे चावल देता था, ऐसे ही चलेंगे, कोई नहीं 20 किलोमीटर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मिलन और आज मैं जिंदगी में पहली बार पब्लिक के बीच ब्लॉग करने जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे होगा, मैं बोल पाऊंगा या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि अकेले अकेले तो मैं बोल लेता हूँ, लेकिन पब्लिक के बीच पता नहीं कैसे होगा, बोल पाऊंगा या नहीं, या रुक जाऊंगा या लोगों को देख कर शर्मा जाऊंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना कैसे मैं कर पाता हूँ और क्या क्या कमी रह जाता है। और अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है कि मैं ये सब इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है पब्लिक के बीच पहली बार ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मेरे गाँव के पास जो टाउन है वहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है और वो मेरे गाँव से 10 किलोमीटर दूर एक टाउन है और एक 30 किलोमीटर दूर है, तो मैं दोनों ही जगह जाऊँगा। और वो मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मील चल रहा है जो कि चावल हो रहा है जिससे धान पिसाई करके। और अभी मैं अपने बाइक पर बैठ चुका हूँ। मैं गांव से निकलने का यही रास्ता है। तो अभी मेरे बाइक में ज़्यादा तेल नहीं है तो इसलिए मैं 50 रुपया पहले यहाँ तेल डाल लेता हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे गांव से दूर आने के बाद, ये पानी का टैंकी है। दोनों तरफ खेत है और बीच में ये रोड है। अभी मैं लगभग शायद 3 किलोमीटर आ चुका हूँ, अभी बहुत दूर जाना है। और अभी हम और एक गांव में आ चुके हैं, इसको भी हमें पार करना है। ये कॉलेज है, वही आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना बाइक लगा दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ बस में चढ़ने के लिए। मैं हेलमेट भी यहीं पर रख देता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मेरे गांव के पास जो टाउन है, पास तो नहीं है ये भी, 10 किलोमीटर दूर ही है। तो अभी मैं यहाँ से दूर जाऊँगा, मतलब 30 किलोमीटर दूर जो टाउन है मुझे वहाँ जाना है। तो ये टाउन है, इस जगह का नाम है इटाहार, जो हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। मुझे चढ़ना है स्टेट बस पर, तो बस वहाँ से मिलेगी, आप देख सकते हो। और हमें यहीं पे वेट करना है अभी स्टेट बस का, तो हम वेट करते हैं, देखते हैं कब आता है। और आज धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि देख ही सकते हैं। पसीना पसीना निकल रहा है अभी से, पता नहीं आगे क्या होगा। और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक में ब्लॉग कर रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ मतलब लग भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ। अभी आप वेट करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टेट बस नहीं आ रहा है। अभी हम बस पर चढ़ तो चुके हैं लेकिन सीट नहीं मिला। कोई नहीं, आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अब देखिए, ऐसे हम खड़े हुए हैं, अगर देख सकते हैं ऐसे ही चलेंगे, कोई नहीं 20 किलोमीटर है, पता नहीं है, आप देखते रहिए। और फिर बस से उतरने के बाद बात करते हैं। अभी हम बस से उतर चुके हैं और हमें जहाँ जाना है हम वहाँ। तो हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जाते हैं। अभी यहाँ से टोटो लेना होगा हमें, क्योंकि थोड़ी दूर है और टोटो में जाने में भी 10 मिनट लगेगा शायद, लेकिन अब धूप बहुत ही ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि टोटो यहाँ पर है, चलते हैं। तो हम टोटो पर बैठ चुके हैं क्योंकि हमें और एक बस स्टेशन जाना है जो कि 10 मिनट लगेगा। और मैंने जो आप लोगों को बताया कि 30 किलोमीटर दूर जो सिटी है वही है, ये रायगंज नाम है इसका। जो मेडिकल शॉप में मुझे जाना था तो वो अभी खुला हुआ नहीं है, बंद है। और यह देख सकते हैं ये ट्रेन लाइन है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन भी चल रहा है। अभी मैं दूसरे मेडिकल पर जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर मिल जाता है तो फिर सही है, नहीं तो फिर कहीं दूर जाना होगा। मिल भी नहीं रहा है, तो मैंने लोगों को पूछा है तो
बोला पास में ही है तो पास में तो मिल नहीं रहा है। मुझे लिफ्ट मिल चुका है, चलो तो चलते हैं मेडिकल शॉप पे क्योंकि यहाँ पे सभी बंद है। तो थोड़ा दूर जाकर अगर मिल जाता है तो सही है, नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढना होगा। इस भाई ने मुझे लिफ्ट दिया है, थैंक यू भाई लिफ्ट देने के लिए। हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, अभी फिर से मतलब पब्लिक बस स्टैंड पर जाना होगा या से फिर से टोटो पकड़ना होगा। तो देखते हैं अगर कोई टोटो मिलता है तो। टोटो मिल चुका है तो अभी मुझे ढूंढना है होम्योपैथी दुकान, क्योंकि मुझे होम्योपैथी दवाई लेना है और उसके बाद मुझे पिज्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है क्योंकि मैंने 3 साल से पिज्ज़ा नहीं खाया, क्योंकि जब मैं कोलकाता में रहता था तो तभी पिज्ज़ा खाता था और 3 साल हो चुका है कि मैं अभी गांव में रह रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं पे पिज्ज़ा मिल ही नहीं रहा है। तो देखता हूँ अगर मिलता है तो फिर खाते हैं, और अगर पिज्ज़ा भी नहीं मिलता है तो बिरयानी तो मिलेगा तो बिरयानी ही खाएंगे। तो अभी मैं वही होम्योपैथी दुकान ढूंढ रहा हूँ और सभी बोल रहे हैं कि आगे मिलेगा तो इसलिए आगे ही जा रहा हूँ। तो अगर मिल जाता है तो फिर सही है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन एक काम हो जाएगा क्योंकि वो मेरा ATM का वो ठीक करना है, BOB वर्ल्ड का। मैंने एक अंकल से पूछा था कि कहाँ है दुकान, तो उन्होंने जो लोकेशन बताया था तो वहाँ पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है वो कहाँ है होम्योपैथी का दुकान। तो अभी मिल चुका है ये होम्योपैथी दुकान। 1 फुट का क्वार्टर धीरे 3 बार। अभी हमें जो दवाई चाहिए था होम्योपैथी वो अभी मिल चुका है और इस दुकान से हमने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी। तो इस दुकान से हमने लिया है, ठीक है तो आते हैं। अभी हमें जाना है ATM में, तो एक काम तो मेरा हो चुका है, अभी ATM का जो काम है वो मुझे पूरा करना है। शायद 500 मीटर दूर जाना है और मैं पैदल ही जाऊंगा। तो यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM। अभी ATM के अंदर 2 लोग हैं तो वो निकलते ही हम जाएंगे अंदर, और अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं होता तो सामने ही बैंक है तो हम बैंक में भी जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर AC लगा हुआ है और अभी मुझे थोड़ा शांति मिला है। तो जो मेरा काम था वो अभी ATM पर ही हो चुका है तो मुझे बैंक भी नहीं जाना पड़ा। मेरा जो 2 काम था वो आसानी से हो गया, तो अभी चलते हैं मतलब रोल खाने, एग रोल खाने। तो मैं एग रोल खाऊंगा यहाँ और इटहार जाकर खाऊंगा बिरयानी। देख सकते हैं कि अभी एग रोल बन रहा है। देख सकते हो कि एग रोल कितना बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है, और इसका प्राइस है शायद 50 रुपीज़। तो इसे हम खाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी तो हम बस पर चढ़ चुके हैं और बस अभी पूरा खाली है, तो बैठते हैं किसी विंडो सीट पर आप लोगों को दिखाने के लिए, यहीं पर बैठते हैं। मुझे तो यार नींद आ रहा है, बहुत तेज नींद आ रहा है। अभी हम इटहार उतर चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, और बाइक को लेकर फिर बिरयानी के दुकान पर चलते हैं और जाकर दिखाते हैं कि यह बिरयानी कैसा मिलता है। तो मैंने जहाँ पर बाइक रखा था अभी आ चुका हूँ वापस, देख सकते हैं मेरा बाइक यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का भी मिस मत करिएगा। अभी हम आ चुके हैं बिरयानी के दुकान में, तो ये देख सकते हैं आप। तो हमारे इस जगह का नाम है इटहार, तो इस बिरयानी का दुकान का नाम है खाई खाई रेस्ट्रो। तो हम यही प्याज बिरयानी चेक करेंगे, एक चिकन बिरयानी दे दो। हम खाने से पहले थोड़ा हाथ धो लेते हैं। तो ये है बेसिन रखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि चिकन बिरयानी आ चुका है, और हमारे वेस्ट बंगाल में एक स्पेशलिटी है कि बिरयानी के साथ ये आलू मिलता है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, और वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल छोड़ के कहीं पे भी ये नहीं मिलता। किसी भी स्टेट पे आप चले जाओ मतलब ये आलू आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, जो खाने में इतना टेस्ट लग रहा है, क्या बोलूँ आप लोगों को। मुझे तो लग रहा है कि मैं 2-3 प्लेट बिरयानी खा जाऊँगा, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी तो मेरा खाना कंप्लीट हो चुका है, और मैं बिरयानी की बात करूँ तो हम लोग के जो टाउन है मेरे गांव से जो ये अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पहले भी बिरयानी बिकता था लेकिन
वो लोग बस बिरयानी के नाम पे चावल देता था, वही मतलब बिरयानी नाम है और बस चावल ही देता था। तो इन लोगों ने दुकान खोला है जो कि हम लोग जैसे जो बिरयानी खो रहे हैं तो उन लोगों को खाने को मिल रहा है। अगर कोई इटहाड़ या रायगंज के आसपास के कोई दिख रहा है मेरा ये ब्लॉग तो आप इस दुकान पर आ जाना, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप इस दुकान को देख सकते हैं। कितना दाम है आप लोगों का बिरयानी का? हमारा जो चिकन बिरयानी है वो 90 रुपीज़ दाम है, उसका हाफ भी मिलेगा 60 रुपया। 60 रुपया तो चिकन बिरयानी के साथ, सिर्फ चिकन नहीं उसके साथ एक अंडा मिलता है और एक आलू मिलता है जो कि वेस्ट बंगाल का स्पेशल है आलू। और जो मटन है आपका, मटन 120 रुपया है और हाफ मिलेगा 80 रुपया में। 80 रुपया में हाँ। और जो हाफ जो साइज है आपका जो प्लेट है उसमें कोई अंडा नहीं मिलेगा। अंडा नहीं मिलेगा। और क्या क्या मिलता है आप लोग यहाँ? और मोमो, मोमो बहुत आइटम है, मोमोज मिलता है। मोमो मिलेगा, मिक्स फ्राइड मोमो एक है मिलता है। अच्छा, यहाँ का स्पेशल 120 रुपया प्लेट है। अच्छा अच्छा, वो सब कबाब ऐसे सब कुछ मिक्स करके मिलता। अच्छा, है वो है मिक्स फ्राइड मोमो। अच्छा, वेज पनीर मोमो भी मिलता है 60 रुपया में। 60 रुपया 8 पीस। डिलीवरी भी करते हैं घर पे? बहुत करते हैं घर पे। हाँ हाँ। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो? ये लोग अपना नंबर बता दे रहे हैं, अगर कोई देख रहे हो 4-5 किलोमीटर के अंदर और घर पे खाना चाहते हो बिरयानी तो आप इन लोगों को फोन करके बोल सकते हो, ये लोग मतलब डिलीवरी कर देगा आपके घर में। और इसमें जो भी दिया है वो सभी मिलता है। तो ये तो आप लोग जो मतलब हिंदी समझते वो तो नहीं समझ सकते, लेकिन हमारे आसपास के सभी लोग समझ सकते हैं, बांग्ला में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जूता भी लेना है, अभी हम आ चुके हैं जूते की दुकान पर, तो देखते हैं अगर यह मिलता है। तो अभी हमने ये जूता लिया है, देख सकते हैं हमने पेट्रोल डलवा लिया है और अभी चलते हैं घर की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर की तरफ और मुझे लगभग और 9 किलोमीटर जाना है। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ और ज़िंदगी में आज मैंने पहली बार पब्लिक के बीच जाकर ब्लॉग किया, मतलब पता नहीं मुझे भी नहीं लग रहा था कि हो पाएगा या नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, आप लोग कमेंट में बताना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। धूप का तो पूछो ही मत, धूप का तो पूछो ही मत कि कितना धूप है।